दोस्तों आपने इंसानों की आपसे दुश्मनी के बारे में या फिर जानवरों की दुश्मनी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अड़ियल और सनकी जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी आपसे दुश्मनी को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, जिनका एक दूसरे को देखकर खुद ब खुद खून खोलने लगता है, यहाँ तक कि ये देखते ही देखते कुछ ही पलों में एक दूसरे के साथ भयंकर लड़ाई करने पर उतर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन खतरनाक जानवरों के बारे में। नंबर 5, क्रोकोडाइल एंड एनाकोंडा। एनाकोंडा और क्रोकोडाइल, इन दोनों जीवों को धरती पर रेंगने वाले जीवों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इनकी दुश्मनी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, और जब इनकी आपसे मुठभेड़ होती है तो ये दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर इन दोनों को एक साथ किसी खाली जगह पर छोड़ दिया जाए? तो आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन जीतेगा? इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मगरमच्छ के जबड़े की पकड़ पूरी दुनिया में सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है, और ये अपनी एक पकड़ से ही दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा जैसे सांपों को भी दो हिस्सों में काट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर कोई एनाकोंडा के फंदे में गलती से फंस जाता है तो उसका इस फंदे से आजाद होना नामुमकिन है, क्योंकि एनाकोंडा का फंदा इतना खतरनाक और मजबूत है कि ये कुछ ही सेकंड्स में किसी भी जानवर या इंसान की हड्डियों का चूरमा बना सकता है। नंबर 4, एलिफेंट एंड राइनोसेरोस। हाथी और गेंडे, ये दोनों जानवर देखने में बड़े और वजनदार होते हैं, जिसके कारण इनकी गिनती दुनिया के सबसे भारी भरकम और वजनदार जानवरों में की जाती है। ये जानवर अपने अपने एरिया में शांति से रहते हैं, लेकिन हाथी के जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है जब इसके टेस्टोस्टेरोन का स्तर सामान्य स्थिति से 60 गुना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में इनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और ये अपने आप को और ज्यादा ताकतवर समझने लगते हैं और दूसरे जानवरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका सामना बिना किसी खौफ के केवल गेंडे कर सकते हैं, क्योंकि गेंडे का शरीर काफी भारी होता है। लेकिन सन 2002 में हाथी और गेंडे की एक घटना सामने आई थी, जिसमें नौजवान हाथियों के एक झुंड ने 36 गेंडों का हमला बोलकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। नंबर 3, किलर व्हेल एंड ग्रेट व्हाइट शार्क। दोस्तों, समुद्र में नीला दिखाई देने वाला पानी अनेक तरह के जीवों के साथ साथ और भी कई रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन जब बात दुश्मनी की आती है तो पानी में रहने वाले जीव भी अपने कारनामों से पीछे नहीं हटते। जी हाँ, समुद्र में पाए जाने वाली सबसे खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसे अपने फूड चेन के टॉप प्लेट पर गिना जाता है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र के सबसे बड़े जीवों में गिनी जाने वाली किलर व्हेल, जो अपने शांत स्वभाव के लिए दुनिया में फेमस है, लेकिन इसका कड़वा सच ये है कि ये सेल्स एंड पेंगुइन्स को मारने में किलर व्हेल काफी होशियार होते हैं, लेकिन ये समुद्र की सबसे खतरनाक मछली ग्रेट व्हाइट शार्क को भी चैलेंज देने में पीछे नहीं हटती। नंबर 2, मैंगूज एंड कोबरा। दोस्तों, सांप और नेवले की दुश्मनी के चर्चे पूरी दुनिया में सुनने को मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी बेहद खतरनाक मानी जाती है। कभी कभी सांप अपने फंदे से नेवले पर काबू पा लेता है, लेकिन नेवला अपने मजबूत जबड़े और फुर्तीला शरीर होने के कारण सांप को धूल चटा देता है। हालांकि नेवला दिखने में काफी छोटा होता है, लेकिन अपनी चालाकी और तेज दिमाग के कारण सांप बेहद तेज होता है। लेकिन कोबरा की बात की जाए तो ये अपने खतरनाक जहर और फुर्ती से भरा होता है, जिसके लिए किसी दूसरे जानवर पर हमला कर देना एक आम बात है, लेकिन नेवला अपनी त्वचा की मदद से कोबरा के जहर से बचने में आसानी से कामयाब हो जाता है। इनकी लड़ाई हमेशा लंबे समय तक देखने को मिलती है, लेकिन नेवला अक्सर सांप पर भारी पड़ जाता है। नंबर 1, ग्रिजले बेयर एंड गोल्फ। दोस्तों, भालू और भेड़िए की दुश्मनी का कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ भयंकर लड़ाई करते हुए पाए जाते हैं। कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के शिकार पर अपना शिकंजा जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों हमेशा शिकार करके खाना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार भेड़ियों को भालू के बच्चों पर हमला करते हुए देखा गया है, क्योंकि भेड़िया भालू के सामने कभी अकेला नहीं आता। भालू भेड़िए से आकार में काफी बड़ा होता है और इसका वजन भेड़िए से 4 गुना ज्यादा होता है, जिसके कारण भेड़िए की एक छोटी सी गलती उसे मौत के घाट उतार सकती है। तो आपको किस जानवर की दुश्मनी सबसे खतरनाक लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।